स्वागत है। और भी आज हम देखने जा रहे हैं अनाउंसमेंट, किस मूवी की बताएंगे मौजम। भाई टाइटल है गणपत और बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, तो इसको डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें विकास बहल, जैकी बगनानी, वाशु बगनानी और दीपशिखा देशमुख हैं। और स्टार कास्ट में है टाइगर श्रॉफ हैं, अमिताभ बच्चन सर हैं, प्रीति सेनन हैं और एली हैं। वैसे मुझे मौजम को बोलना चाहिए था, मौजम क्या नाम है लीड रोल में जो एक्ट्रेस है? कृति सेनन है। हाँ, तो पहले कीर्ति में कहता था, बड़ी देर का कृति हो गया है। एनीवे गाइस, ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, तो देखते हैं अनाउंसमेंट में क्या हमें ग्लिम्प्स दिखाई। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। आपने मुझे मिस किया, मैंने तो बहुत किया। सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहां हूं। वेल, कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था। कहां पे खड़े हैं? कुछ ऐसा जो आपको और मुझे ले जाए ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊपर है तो कुछ कुछ माइंड ब्लोइंग तो बनता है ना। तो आओ इस दुनिया को बदल दे। भाई स्पेशल अनाउंसमेंट जो है वो काफी स्पेशल थी। वैसे इतनी ऊंचाई वाली जगह पर बंदा खड़ा होना तो बंदे की टांगों में वाइब्रेशन जो है वो जरूर होती है। लेकिन हाँ, जो है आपको जो है ना एक मुंबई शहर का जो है व्यू दिया गया और पीछे से जो है बिल्डिंग्स काफी ज्यादा इमर्ज हो रही है, एक नया एरा शायद Maybe, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से चेंज होता है। लेकिन इतना कोई खास अभी आइडिया नहीं हो रहा अनाउंसमेंट में कि स्टोरी क्या होगी। बस हम लोगों ने जो थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी हैं या पोस्टर अगर हम लोग देखें तो वहां से हम लोगों को ये आइडिया जरूर होता है मे बी कि कोई जैसे फाइटिंग बॉक्सर या रेसलर जो रिंग में पर मतलब उस तरह की स्पोर्ट्स आपको नजर आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली गलत भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तो जिस तरीके का ये हम लोगों को अनाउंसमेंट दिखाई गई है उससे तो किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं हो पा रहा। बट मैंने ये जरूर पढ़ा है कि जो इसका टीजर 27 सितंबर को आउट होगा वो काफ़ी यूनिक होगा, यानी कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वो देख के। और क्योंकि ये बहुत ही एक मच अवेटेड मूवी है और दशहरा पर भी ये रिलीज़ हो रही है, तो मेरे ख्याल में जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको बहुत शिद्दत इंतजार। वैसे भी अगर बात की जाए तो काफी देर पहले जो है कृति सेनन और साथ में जो है टाइगर श्रॉफ को जो है साथ देखा गया था हीरो पंती में, तो वो काफी अच्छी मूवी रही थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसका था। हाँ, तो सॉन्ग्स भी बहुत सॉन्ग्स भी उसके काफी अच्छे थे। प्रोबेबली 9 ईयर्स के बाद ये दोनों को हम इकट्ठे देख रहे हैं, लगभग 9 साल बाद इकट्ठे देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग जिन्हें उस टाइम एक जोड़ी जो है वो बहुत पसंद आई होगी, भाई वो भी इंतजार कर रहे होंगे मूवी जो है वो रिलीज हो। जैसे अगर हम टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उस मूवी से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें उनमें देखने को मिला है। लाइक स्टंट्स तो हम अभी भी देखते हैं, एक्शन देखते हैं, और ज्यादातर अगर हम लोग बात करें मूवीज की तो हम लोग को टाइगर श्रॉफ की मूवीज ना एक्शन वाली ही नजर आती हैं। असल में उनके अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखें ना तो कुछ उनका जो है ना एक स्टाइल जो है वो इस तरह का बन चुका है कि अगर वो कॉमेडी रोल भी करते हैं ना तो उस मूवी में भी आपको जो है एक्शन नजर आता है। मैंने वैसे अभी तक उनको बहुत ज्यादा कॉमेडी रोल बहुत ज्यादा कॉमेडी में नहीं है, लेकिन वो करते हैं जैसे वो बागी मूवी थी उसमें उन्होंने सीरियस रोल किया है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है ना उस मूवी में। हाँ, कॉमेडी है, लेकिन अगर जॉनर की बात करें तो ज्यादातर एक्शन मूवीज में हमने उनको देखा है। बट पर्सनली मैं से वैसे मैं उनको देखना चाहूंगी कि अगर कॉमेडी मूवीज में मतलब वो आते हैं तो वो किस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस लुक और यू नो एक ऐसी वाली उनकी पर्सनैलिटी बनाई जाती है मूवीज में कि आपको जैसे कि हम वॉर में भी देखें तो आपको सीरियस और बहुत ही आप एक्शन वाले टाइप की आपको उनका एक यू नो लुक हमेशा नजर आता है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये चीज है ना एक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि इमेज जो है उसका कैसा बन जाता है। अभी जैसे वरुण धवन की बात करें तो उनका इमेज बना हुआ कॉमेडी मूवीज वाला, तो सीरियस मूवीज में जो है ना उन्हें उस तरह जो शायद देखने का मजा नहीं आता जिस तरह कॉमेडी मूवीज में आता है। बदलापुर में देखा था, बहुत मजा आया था उनको और उनकी एक्टिंग भी बहुत। वैसे मैंने बदलापुर नहीं देखी, मुझे मैंने अम्मी के साथ जाकर वो सिनेमा में मूवी देखी और बहुत मजा आया। अकेले के लिए अम्मी के साथ बैठकर अकेले के लिए दोनों
गए मुझे नहीं लेकर के। एक चीज हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं पता कि गणपत का जॉनरे जो है लाइक उसमें हमें कुछ और भी ट्विस्ट कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को थोड़ा एक वैरायटी भी आपको देखने को मिलनी चाहिए। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर एक्शन हीरो के अलावा देखना हो लाइक टाइगर श्रॉफ सर को, तो आप कौन से करेक्टर में देखना चाहेंगे उन्हें, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ गुड बाय।